जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के एपिसोड की शुरुआत एक सवाल के साथ। अक्सर हमारे मन में ये सब बातें कौंधती हैं कि इतने सारे समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन हिंदू समाज का उद्धार, खासकर कुछ जाति विशेष के लोगों का उद्धार तब भी नहीं हो सका। ये सब बातें हैं जो अक्सर हम एक दूसरे से पूछते हैं, यहाँ तक के कॉमेंट सेक्शन में भी लोग इस बात को पूछते हैं। पिछले एपिसोड में यूं तो इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी, लेकिन आज के एपिसोड में इसके ऊपर एक और पहलू को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा डॉक्टर अंबेडकर करेंगे कि क्यों ये सुधार संभव नहीं हो सका। उसके लिए सुधारकों के साथ साथ जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे इन सुधारों के जरिए अपने जो थिंकिंग है उसमें बदलाव ला सके, जो कि होता नहीं है। हम कबीर की बहुत तारीफ करते हैं, हम महात्मा फूले की बहुत तारीफ करते हैं, सावित्रीबाई फूले को भारत माता का दर्जा देते हैं, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात भी करते हैं कभी? शायद नहीं। इसीलिए अभी तक ये जो बदलाव है ये संभव नहीं हो सके हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जाति का विनाश पढ़ने के बहुत से लोग दम भरते हैं कि हमने पढ़ी है, लेकिन इसमें जो बातें हैं क्या उसको कभी आपने समझने की कोशिश करी है? इन सब बातों को कभी अपने ज्यादती जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है? नहीं ना। तो फिर बदलाव की उम्मीद क्यों करते हैं? सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्लास से ही बदलाव की उम्मीद करेंगे? पिछले एपिसोड में डॉक्टर अंबेडकर ने इंटेलेक्चुअल क्लास की जो भूमिका होती है देश के निर्माण में, उसके ऊपर चर्चा करी थी। और हमारे यहां पर इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो सिर्फ ब्राह्मण को मान लिया गया है। कभी किसी ने इस चीज का विरोध किया? ब्राह्मण के अलावा जो गैर ब्राह्मण वर्ण हैं, उन सभी को क्या कभी ये बात खटकी नहीं? अस्पृश्यों और शूद्रों को तो छोड़ दीजिए, क्षत्रिय और वैश्यों को भी कभी ये बात नहीं खटकी कि उनको डिग्रेड करके रखा गया है। तो ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है तो सभी के लिए खराब है, अस्पृश्यों और शूद्रों के लिए कुछ ज्यादा ही खराब है। तो इन सब बातों के ऊपर क्या मंथन नहीं होना चाहिए? हम सिर्फ सारी उम्मीद जो है वो महापुरुषों से लगा लेते हैं। महापुरुष अपने काम को करने में ईमानदारी बरतते हैं, लेकिन ये काम वो जिन लोगों के लिए करते हैं क्या वो भी इस काम को आगे बढ़ाने के प्रति ईमानदार होते हैं? इंटेलेक्चुअल का काम चीजों को समझकर परखकर आपके सामने प्रस्तुत करना होता है, आपको समझाना होता है, लेकिन यदि आप ही बंद दिमाग से उसे सुनेंगे, उसे समझना ही नहीं चाहेंगे, या समझ भी लें लेकिन समाज से लड़ने की आप में हिम्मत ही नहीं है, तो फिर ये काम आगे कैसे बढ़ेंगे? इन्हीं सब बातों के ऊपर आज डॉक्टर अंबेडकर का भाषण जो है, जो टॉपिक है, वो चर्चा करेगा। चलिए मेरे साथ। टॉपिक 22, किसी भी सुधारक या तर्कपूर्ण आह्वान को अभी तक सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब उसके कारणों की यहां पर वे चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैंने पहले ही कहा है सारे एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। 22.1, क्या आप बुद्धि का आह्वान कर सकते हैं और हिंदुओं से कह सकते हैं कि चूंकि जाति एक बुद्धि विरोधी चीज है, अतः वे इसका परित्याग कर दें? इससे यह प्रश्न पैदा होता है, क्या हिंदू अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं? मनु ने तीन सत्ताओं का निर्देश किया है, जिसके अनुसार मनुष्यों को अपना व्यवहार निर्धारित करना चाहिए। वेदों और शास्त्रों में अपना दिमाग अप्लाई करने के लिए, यानी कि कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की भी मनाही है। अब मनुस्मृति क्या कहती है? वेदम स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रिय मात्मम, और यह मनुस्मृति का 2.12 श्लोक है। यहां 22.2, यहां बुद्धि के लिए अपनी भूमिका अदा करने के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू को या तो वेद या स्मृति का या सदाचार का पालन करना होगा, वह किसी और चीज का अनुकरण नहीं कर सकता। तो सदाचार शब्द भी यहां पर इस्तेमाल हुआ है। सदाचार, किस तरह का सदाचार की बात डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं मनुस्मृति के संदर्भों में, वो आगे एक्सप्लेन किया उन्होंने। 22.3, पहली बात तो यह कि यदि वेदों और स्मृतियों के पाठ की व्याख्या करने में कोई संदेह हो तो उसकी व्याख्या कैसे की जाए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मनु का मत एकदम दृढ़ है। वे कहते हैं, युव मन्येत ते मूले हेतु शास्त्र श्रयात द्विज स साधु विर्भव बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकम। मनुस्मृति 2.11। अब इसका एक्सप्लेनेशन है 22.4।
इस नियम के अनुसार वेदों और स्मृतियों की व्याख्या करने में बुद्धि का इस्तेमाल करने की संपूर्ण भर्त्सना की गई है। यह उतना ही बुरा है जितनी की नास्तिकता, जितना कि एक नास्तिक को हे दृष्टि से या खराब नजर से देखा जाता है कि भगवान को नहीं मानता। उसी तरीके से वेदों और शास्त्रों की सत्ता को जो चुनौती दे उसको भी खराब माना गया है। यहां तक अगर कोई अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके सवाल करता है, सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, तो उसको भी उतना ही खराब माना गया है जितना कि एक नास्तिक को। तो कितनी कड़ाई से इसका पालन करवाया गया है मनुस्मृति में, उतनी ही कड़ाई से बाकी सब चीजों का भी पालन करवाया गया है। इसके दंड का प्रावधान है धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाना। इस प्रकार जो मामला वेद या स्मृति द्वारा विहित है उसमें कोई भी हिंदू बुद्धि से काम नहीं ले सकता। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें गैर ब्राह्मणों पर ही लागू होती हैं। यदि किसी ब्राह्मण ने भी इसका विरोध किया या इसके खिलाफ कोई काम किया उसको भी जाति बहिष्कृत किया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस जो संस्कृत में थी उसका अवधि में ट्रांसलेशन कर दिया था। उनको भी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था और राम मंदिर से उनका सारा सामान फेंक दिया गया था। वो अलग बात है कि उन्होंने मस्जिद में जाकर शरण ली, लेकिन चूंकि वे एक ब्राह्मण थे इसीलिए उनके बारे में ये बात नहीं फैलाई जाती कि देखो देखो तुलसी जो है वो मस्जिद में जाकर रह रहा है और इसको जो है ब्राह्मण से मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मालूम है सारा कुछ जो सिस्टम है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। तुलसीदास चाहे मंदिर में रहें चाहे मस्जिद में रहें, वो रहेंगे ब्राह्मण ही, ये उनका सोशल स्टेटस है। जबकि कोई स्पृश्य ऐसा काम करे तो तुरंत उसके साथ मोब लिंचिंग भी हो सकती है या होती रही होगी। इसका कभी कोई वाक्या दर्ज नहीं है इतिहास में। 22.5 ऐसे मामलों में भी जहां वेदों और स्मृतियों में बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं, द्वंद्व हो तो उसका समाधान बुद्धि पर नहीं छोड़ा गया है। जहां दो श्रुतियों में द्वंद्व हो वहां दोनों की सत्ता एक समान है, दोनों में से किसी भी एक का अनुकरण किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए कि कोई कोशिश नहीं की जा सकती कि दोनों में कौन बुद्धि संगत है, मनु ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। श्रुति वैधम तु यत्र स्वातत्र धर्मावभो स्मृत हो। तो ये मनुस्मृति 2.14वां श्लोक है। जब तक श्रुति और स्मृति में द्वंद्व हो तब श्रुति का आदेश शिरोधार्य होगा कि यदि आपकी कॉमन सेंस और सुनने में द्वंद्व हो कि सुनी बात पर यकीन करें या कॉमन सेंस अप्लाई करें, तो वहां पर सुनी सुनाई बात पर आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है कि कॉमन सेंस तो बिल्कुल अप्लाई ही नहीं करनी है। जहां आपके मन में द्वंद्व हो ना, बहुत सारी जगहों पर हमारे बहुजन समाज में भी द्वंद्व रहता है कि ईश्वर की सत्ता को माने या ना माने, उसको नकार दें, तो वहां पर सुनी सुनाई बात पर जो पहले से चली आ रही है उसको फॉलो करने की हिदायत दी गई है मनुस्मृति में कि लोग कहते हैं इसीलिए आप भी वही करें, अपना दिमाग ना इस्तेमाल करें। तो कितनी कड़ाई से हर चीज को लिखा गया है, हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने जाति का विनाश लिखकर उन सभी मान्यताओं को ध्वस्त किया है। बहुत से लोगों ने जाति का विनाश पढ़ी है, लेकिन क्या कभी लोगों ने उसे इसी नजरिए से देखा है जिस नजरिए से मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूं। इसका निर्देश मनु ने निम्नलिखित श्लोक में दिया है। या वेद बाह्य स्मृतियों याश्च काश्च कुदृष्ट्य सर्वस्व निष्फला प्रयत्य तमो निष्ठा ही त स्मृतः। और ये श्लोक है मनुस्मृति का 12.95। 22.6 जब दो स्मृतियों में द्वंद्व हो तब मनुस्मृति का आदेश शिरोधार्य होगा, लेकिन यह पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि दोनों में से कौन बुद्धि संगत है। यह नियम बृहस्पति का बनाया हुआ है। वेदार्थोनि बद्ध त्वात प्राधान्य ही मनु स्मृतम मनवर्थ विपरीता तू या स्मृति स न शस्यते। तो बृहस्पति स्मृति संस्कार खंड श्लोक 13 22.7 इसलिए स्पष्ट है कि किसी भी मामले में जिस पर श्रुतियों और स्मृतियों के स्पष्ट निर्देश हैं कोई हिंदू अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यह नियम महाभारत में बनाया गया है। तो महाभारत की कथा हमने पहले पूरी तरीके से उसका मैंने
विवरण दिया है आपको कि महाभारत की कथा क्यों लिखी गई, लोगों को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए ब्राह्मणों ने लिखी, और उसी में इस बात को भी लिखा कि यदि कोई कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहे तो उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल देना चाहिए। पुराणाम मानवो धर्म सांगो वेद किश्चि कित्सत्सम आज्ञा सिद्धिनी सॉरी सिद्धानी चतवारी न हंत व्यानी हेतु भी। ये श्लोक थोड़ा बदले रूप में महाभारत में अश्वमेधिका पर्व में मौजूद है। 22.8 उसे उपयुक्त द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करना होगा। जाति और वर्ण ऐसे मामले हैं जिनकी चर्चा वेदों और शास्त्रों में की गई है और परिणाम स्वरूप बुद्धि का आभान किसी हिंदू पर कोई असर नहीं डाल सकता। तो इसीलिए जब कॉमन सेंस अप्लाई करने की ही मनाही की गई है, इंग्लिश में तो एक कहावत है ना कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन टूडे, के तर्कशीलता बिल्कुल खत्म कर दी गई है आजकल, और वेदों में शास्त्रों में तो ये शुरू से ही कभी नहीं थी, इसकी मनाही है इसको इस्तेमाल करने की। इसीलिए कभी किसी सुधारक के प्रवचन भी किसी व्यक्ति के दिमाग को खोल नहीं सके, क्योंकि वो लोग जो भी बात कहते हैं ईश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं तो उनके फॉलोअर्स को एक टाइम के बाद लगने लगता है अरे शुरू से जो होता आ रहा है क्या शास्त्र और वेद झूठ कहेंगे। जी हाँ, वो झूठ ही कहते हैं। 22.9 जहां तक जाति और वर्ण का सवाल है, इस मामले में निर्णय तक पहुंचने के लिए शास्त्र हिंदू को न केवल अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने की सावधानी भी बरती है कि जाति और वर्ण में उनकी आस्था की बुनियाद का तार्किक ढंग से परीक्षण करने का अवसर न आ सके। तो ऐसा उन्होंने शास्त्र और वेद में लिखा है कि सिस्टम को ऐसा रखो कि कभी भी ये अपना कॉमन सेंस अप्लाई करने के हालत में ना आ सके, उस स्थिति तक ही ना पहुंच सके। इसीलिए शायद हजारों सालों से पढ़ाई लिखाई के अधिकार से वंचित कर रखा है। पढ़ने लिखने का मतलब है वैज्ञानिक सोच पैदा हो जाना, वैज्ञानिक विश्लेषण करना, तर्कशील हो जाना, कॉमन सेंस अप्लाई करना। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई ही नहीं करने दो, ना होगी पढ़ाई लिखाई ना बनेंगे तर्कशील। बहुत से गैर हिंदुओं के लिए देखना मौन मनोरंजन का एक स्रोत होगा कि हजारों हजार हिंदू एक खास मौकों पर जैसे रेल का सफर और विदेश यात्रा के दौरान जाति तोड़ते रहते हैं और फिर भी बाकी जीवन में जाति का पालन करने के प्रयास करते रहते हैं। तो जाति तोड़ते हैं, अब रेल में सबने सुविधा है, रेल सभी के लिए है, अंग्रेजों ने खोली थी, उसमें हर धर्म हर वर्ण का व्यक्ति चढ़ सकता है, तो ऐसे में जाति का पालन कैसे हो? हो सकता है किसी ब्राह्मण को एक अस्पृश्य के साथ भी बैठना पड़े, हो सकता है अस्पृश्य को सीट पर बैठने की इजाजत ना हो, चरणों में ही बैठना हो, लेकिन एक ही डिब्बे में सफर तो करना पड़ रहा है, इससे जाति तो भंग हो रही है। तो उसके लिए कई तरह के प्रायश्चित भी दिए गए हैं, वो अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए इसको दो भागों में हम बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जो बातें मैंने बोली है, जो प्रश्न शुरू में उठाए हैं, उनके ऊपर आप प्लीज जरूर मंथन करिए, अपना मन भी टटोलिए। क्या आप अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं? यदि अप्लाई करते हैं तो क्या आप में हिम्मत है समाज के खिलाफ खड़े होने की? डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही कहा है कि सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले से समाज के खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति ज्यादा साहसी होता है। बेड़ियां तोड़ना, सामाजिक बंधन को तोड़ना ज्यादा बड़ा काम है सरकार को चुनौती देने के। तो इसके ऊपर मंथन जारी रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और घर की औरतों और बच्चियों को ये वीडियो जरूर सुनाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।